हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो NTA, UGC, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई बार मेरे पास एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे शुरू की जाए, क्या बुक्स रिफर करनी चाहिए, कट ऑफ क्या रहती है या सिलेबस क्या होता है, कौन से सोर्सेस से क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें, ये सब। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सभी जरूरी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड होगा एंड वी विल आल्सो शेयर सम वेरी क्रिटिकल रिसोर्सेज विद यू फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे इस एग्जाम को देने के फायदे क्या है या फिर ये एग्जाम कहां हेल्पफुल होता है, एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूजीसी नेट स्कोर कार्ड कब तक वैलिड होता है, एग्जाम का शेड्यूल क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से मिलेंगे, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पेपर कोड क्या है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल क्या यूज करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से रिसोर्सेज ऑथेंटिक हैं और ट्रस्टवर्दी हैं, प्रिपरेशन प्लान और टाइम टेबल क्या रहेगा, मतलब ये समझना कि कितना एफर्ट करने की जरूरत है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जो एस्पिरेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, टेस्ट सीरीज कौन सी अटेम्प्ट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग करनी चाहिए, क्या कोचिंग जरूरी है या एग्जाम बिना कोचिंग के भी क्लियर किया जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर अवर कोर्सेस, कॉल अस एट 9821876104। डिजीमेंटो एजुकेशन इंडिया का सबसे अच्छा चैनल है यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। डिजीमेंटो हैज अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर NTA, UGC, नेट, गेट एंड PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम प्रिपरेशन। आप चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि NTA नेट एग्जाम क्या है। देखिए, NTA नेट एग्जाम पहले UGC नेट के नाम से जाना जाता था, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस एग्जाम में काफी चेंजेस किए गए और अब इस एग्जाम को NTA ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA इंडिया में और भी काफी एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE और मेडिकल के लिए NEET फेमस है। So, अगर हम NTA नेट बोलते हैं या फिर UGC नेट, दोनों का मतलब एक ही होता है। UGC नेट एग्जाम से गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए सिलेक्शन करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमने पहले भी काफी वीडियोस डाली अपने चैनल पर, उन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। जनरली एग्जाम साल में दो बार होता है, जून और दिसंबर में, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। यह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम को प्रॉपर्ली आप यूटिलाइज करो और एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अब अगला क्वेश्चन है कि UGC नेट एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज इन द पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइनल ईयर के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपियर इन द एग्जाम। हाउएवर, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर अवार्ड ऑफ JRF और प्रोफेसरशिप आफ्टर दे पास देयर क्वालिफाइंग एग्जाम विद मिनिमम मार्क्स। PhD डिग्री होल्डर्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम वॉज कंप्लीटेड बिफोर सेप्टेम्बर 1991 आर प्रोवाइडेड एन एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट। UGC नेट 2020 की एज लिमिट क्या है, आइए आपको बताते हैं। अपर एज लिमिट फॉर JRF इज 30 years। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अदर देन दैट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स
50% for reserved categories in their post-graduation or equivalent from any recognized university. From June 2018, the exam is conducted in computer-based model. यानी कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस भी कम्प्लीटली ऑनलाइन ही रहेगी। इस बार कोरोना वायरस की वजह से काफी एग्जाम पोस्टपोन हुए, तो एक उम्मीद ये भी है कि एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। द वैलिडिटी ऑफ UGC नेट ई सर्टिफिकेट इज लाइफ टाइम, हाउएवर द वैलिडिटी ऑफ द JRF लेटर ऑफ अवार्ड इज ओनली 2 years आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। सिलेबस, UGC नेट एग्जाम पेपर 2 parts में डिवाइडेड होता है, जैसे paper 1 नॉन टेक्निकल, paper 2 टेक्निकल। paper 1 में क्या होता है आपको बताते हैं, इसमें लगभग 50 questions पूछे जाते हैं और paper 2 में 100 questions। यानी कि एग्जाम में टोटल 150 questions पूछे जाएंगे, जिनका आंसर करने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। हर क्वेश्चन 2 marks का होता है, सो टोटल 300 marks का पेपर पूछा जाता है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको paper 1 और paper 2 दोनों की कट ऑफ इंडिविजुअली क्वालिफाई करनी होती है, एंड जो एस्पिरेंट्स दोनों पेपर की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ कैलकुलेट की जाती है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको देखते हुए आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट paper 1 एंड paper 2 दोनों में लगभग 40% से ज्यादा स्कोर करने होते हैं टू क्वालिफाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ। पर रुकिए, इतना भी आसान नहीं है। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड विल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स ऑफ नेट। एंड JRF का सिलेक्शन उससे भी डिफिकल्ट है। एज पर द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर अ टोटल ऑफ 10,34,872 कैंडिडेट्स हैड रजिस्टर्ड इन UGT नेट December 2019 सेशन, आउट ऑफ विच 7,93,813 appeared and 60,147 exam takers qualified for eligibility for assistant professor only, whereas 5,092 aspirants qualified for both JRF and eligible for assistant professor. Generally kya hota hai, net computer science mein assistant professor ki overall cutoff 54% ke aas paas rehti hai और JRF के लिए ओवरऑल कट ऑफ 60% के आसपास रहती है। बट ये कट ऑफ एग्जाम टू एग्जाम चेंज होती रहती है और ये कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कितने एस्पिरेंट्स ने एग्जाम में अपीयर किया, प्लस JRF के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इन सभी फैक्टर्स पर कट ऑफ मैटर करती है। हमारा डिस्कशन का ज्यादातर फोकस paper 2 पर ही रहेगा, क्योंकि paper 1 एक नॉन टेक्निकल जनरल पेपर है जो सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आप चाहे आर्ट से हो, UGT नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस से, सभी को paper 1 तो देना ही होता है। paper 1 का मेन एम होता है ये समझना कि आपको टीचर बनने के लिए बेसिक नॉलेज है या नहीं। तो paper 1 में लगभग सभी टॉपिक्स आते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, Information and Computer Technology यानी कि ICT, People and Environment, Higher Education System like Governance, Polity and Administration। अब अगला सवाल है कि NTA NET Computer Science का पेपर कोड क्या है? देखिए, लगभग से भी ज्यादा पेपर कोड्स हैं NTA NET में। जैसे Political Science के लिए पेपर कोड 2, History के लिए पेपर कोड 6 और Law के लिए पेपर कोड 58। उसी तरह कंप्यूटर साइंस के लिए पेपर कोड है 87। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको इस पेपर कोड की जरूरत होगी। NTA NET कंप्यूटर साइंस में लगभग 10 यूनिट्स हैं, लेकिन इन 10 यूनिट्स में अराउंड 23 से 24 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें से सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिजिटल लॉजिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, OOPS, एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनमें से काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डेटा माइनिंग, यूनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, HTML एंड XML, एडवांस DBMS यानी कि NoSQL, बिग डेटा,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। हम सभी एनटी एग्जाम्स को फिनिश होने के बाद उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। इस स्लाइड में आप बुक्स के नाम देख सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को ही रेफर करें। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सही जगह से सही कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेके आप हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है t.me/digimento। हम पूरी कोशिश करते हैं कि डिजीमेंटो एजुकेशन में आपको मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करें और हमेशा एक प्रॉपर और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करें। अब तैयारी कैसे शुरू करें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स या ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर हम टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर टॉपर्स का इंटरव्यू पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपरली फॉलो कीजिए, तो इससे आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलती रहेगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक एम्बेड किया है। वहां से इस पूरे वीडियो में यूज हुई प्रेजेंटेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स भी दिए गए। अब प्रिपरेशन करने के लिए टाइम टेबल क्या रहेगा? देखिए, टाइम टेबल सभी इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टाइम टेबल से एक एस्पिरेंट एग्जाम क्वालिफाई करता है, किसी दूसरे के लिए भी सेम वही वर्क करेगा। हम सभी की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। आप चाहें तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपके साथ डिस्कशन करके आपकी पर्सनल नीड्स और जरूरतों को समझकर आपको एक कस्टमाइज टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। बट एक जनरल टाइम टेबल का वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने शेयर कर दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी क्वेश्चन, क्या नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेना जरूरी होता है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए आपको पूरी तरह से मेरी बात समझनी पड़ेगी। वेल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोचिंग जरूरी नहीं है, पर बिना कोचिंग के एग्जाम क्वालिफाई करना कांटे पर चलने के बराबर है। लेट मी एक्सप्लेन इट। जनरली टीचर जो आपको एक घंटे में क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वो सेम नॉलेज आप खुद से भी पढ़कर गेन कर सकते हैं, बट उसमें आपको 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। अपने आप से आप समझेंगे। आई मीन टू से कि यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ऑफलाइन क्लासरूम में लगभग 800 से 900 घंटे की कम से कम क्लासेस चाहिए। तो सोचिए, अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको लगभग 3200 घंटे लगेंगे, 32 आवर्स, सिर्फ सिलेबस को फिनिश करने में। अब सिलेबस को फिनिश करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं और टेस्ट सीरीज भी देनी है, रिवाइज भी करना है। इस पूरी प्रोसेस में आपको लगभग 5000 घंटे की मेहनत लगेगी। और अगर आपका मैथमेटिक्स और भी अच्छा है तो आपको समझ आ गया होगा कि 5000 घंटे डिवाइडेड बाई 365 दिन इज इक्वल टू अप्रॉक्स 14 आवर्स पर डे फॉर द होल ईयर। लगभग इतना टाइम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तैयारी करने के लिए लगेगा। इसीलिए एक टीचर, मेंटर और गाइड की जरूरत होती है, जो आपको सही मार्गदर्शन करे और सही तरीके से गाइडेड और फोकस स्टडी करवाए। कोचिंग इज जस्ट अ टूल टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। ये बात याद रखिए बस। बट यस, जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग ली है उनके पास एक अपर हैंड हमेशा होता है और उनके एग्जाम में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी drastically increase हो जाती है। In Digimento Education, we ensure कि teacher aspirant के साथ पूरी मेहनत करे और उसको अच्छे से exam के लिए guide करे, proper study material या notes students को provide करे और एक mentor की तरह aspirant के साथ उसके हर step पर उसके साथ चले। और success क्या होती है? ये हमारे previous results ही आपको बता सकते हैं। You can watch the interviews of successful students of Digimento. List बहुत लंबी है, एक video में नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए डोंट फॉरगेट टू कॉल अस एट 9821876104। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप बहुत कुछ सीखेंगे।